नमस्कार दोस्तों, गौतम ऑटोमोबाइल में आपका स्वागत है। देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे दो रॉयल इनफील्ड का मेट्रियोर 350 आपको दिख रहा होगा। तो आज हम इसका दोस्तों इंजन ऑयल को चेंज करेंगे, और चेंज करने का क्या प्रोसेस है इस वीडियो में आपको फुल जानकारी देंगे। तो आप वीडियो को आप कहीं से भी स्किप ना करें। चलिए एक बार बाइक को ऑन करके आपको दिखा देते हैं कि बाइक जो टोटल चली हुई है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे 14,696 किलोमीटर टोटल ये बाइक चली हुई है, और हम इसका इंजन ऑयल को चेंज करने जा रहे हैं। और किस कंपनी का कौन सा ग्रेड का इंजन ऑयल इसमें डालना है देख सकते हैं यहाँ पे। आप मोबिल फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे सारा कुछ एल की बोल्ट दिया गया है। और यहाँ से इंजन ऑयल डालने का, तो सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको इंजन गार्ड मिल जाएगा सभी बाइकों में लगभग लगभग, या किसी बाइक में ना भी हो तो। सबसे पहले यहाँ से दोस्तों क्या होगा कि हमें इंजन के गार्ड को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 4 नंबर का एल की बोल्ट दिया हुआ है, 2 ऊपर की साइड 2 नीचे की साइड। तो हम चलिए इसके इंजन हटा लिया है इंजन के गार्ड को, और यहाँ पे आपको 8 नंबर के गोटी हैंडल से 2 बोल्ट नीचे में मिल जाएगा 8 नंबर का, जो कि आपको ओपन कर लेना है। जैसा कि हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है, और आपका इंजन ऑयल पूरा का पूरा एकदम बाहर आ जाने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा इंजन ऑयल दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऑयल फिल्टर होता है देख सकते हैं इंजन के अंदर भी। तो ये ऑयल फिल्टर को भी आपको अच्छे से क्लीन करके ही दोबारा लगाना है। इसे आप क्लीन कर देंगे तो बिल्कुल ये क्लीन हो जाएगा। और यहाँ पे इसका 8 नंबर का एक बोल्ट है, पूरा का पूरा हमने यहाँ से हटा लिया। और इंजन ऑयल को आप चेक करेंगे दोस्तों कि इंजन ऑयल जो है कि इसमें कितना आने वाला है। तो हम यहाँ पे कैपेसिटर मग को ले लिए हैं, और इंजन ऑयल को डाल करके देखेंगे इसमें कि कितना इंजन ऑयल प्रॉपरली इस बाइक में निकला है, और कितना इंजन ऑयल डालना है हमें। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1650 ml, 1700 ml टोटल कंपनी रिक्वायर्ड करती है इसमें। मेट्योर में जो नई वाली आई है BS6 Phase 2 है, Phase 1 है दोस्तों, ये एक Phase 2 है जो इथेनॉल प्लस पेट्रोल से चलने वाली है, बट इसमें E20 का ऑप्शन नहीं है। तो ये Phase 1 हुई, और यहाँ से आपको मोबिल फिल्टर को ओपन करना है, जो कि एल की आपका 5 नंबर का एल की लगने वाला है। तो यहाँ से आपको 3 बोल्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे जो होता है दोस्तों ऑयल का फिल्टर, तो देख सकते हैं ऑयल का फिल्टर भी काफ़ी यहाँ पे गंदा हो चुका है देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सारे पार्ट्स को क्लीन करेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं कि हमने ऑयल फिल्टर को भी क्लीन किया है, इसलिए क्लीन किया है दोस्तों कि यहाँ पे हमें, मतलब कि यहाँ के शॉप हो या यहाँ का वर्क ये शोरूम हो, वहाँ पर हमें ऑयल फिल्टर इसका नहीं मिल पाया है। तो बाइक काफ़ी चल चुकी है, तो हमें इसमें क्या है कि इंजन ऑयल को चेंज करना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए मैं पुराने वाले को ही यूज कर रहा हूँ, इसे अच्छी तरह से क्लीन करके एयर वर का यूज करके। बट आप ऐसा ना करें, आप नया ही रिप्लेस करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम पुराने वाले को ही डाल रहे हैं दोस्तों, जबकि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, बट क्या करें, मजबूरी है। तो इस तरह से आपको सारे बोल्ट को एक तरह से अच्छे तरह से बैठा करके इसे पूरा बिल्कुल अच्छी तरह से लगाना है, नहीं तो ऐसे आपका लीकेज का प्रॉब्लम आ सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 5 नंबर का एल की आपका यूज होगा, और यहाँ पे जो फिल्टर था दोस्तों ऑयल का फिल्टर जो आपका नीचे से आने वाला है, उसे इस तरह से आपको सीधा लगाना है। उसके बाद यहाँ पे इसके कैप को लगा करके कवर को, यहाँ पे 2 8 नंबर का बोल्ट आपको मिल जाएगा, दोनों को अच्छी तरह से फुल टाइट करना है ताकि यहाँ से लीकेज का प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे 8 नंबर की गोटी हैंडल से ज़्यादा बेहतर रहेगा, और ये मैंने कर दिया है। और अब हम जो इंजन ऑयल डालने जा रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं कैस्ट्रॉल का एक्टिव क्रश 15W50, यहाँ पे 2.5 लीटर का ले लिया, बट हम इतना नहीं डालेंगे इसमें, जो इसका रिक्वायरमेंट है वही डालेंगे। और MRP की बात करें दोस्तों तो 1090 आपको पड़ने वाला है। मैनुफैक्चर आपका 11/2023 का इसका मैनुफैक्चर है देख सकते हैं आप। और यहाँ से हमें ओपन करना है, और चलिए इस इंजन ऑयल को हम डालते हैं। और यहाँ पे इसका होता है कैप जो इंजन का, इसे आपको प्लस से ओपन कर लेना है देख सकते हैं यहाँ पे। और देखा होगा आपने दोस्तों क्लासिक में 2 साइड से ऑप्शन होता था डालने का इंजन ऑयल, बट इसमें 1 ही साइड से इंजन ऑयल को आपको डालने का ऑप्शन दिया गया है, जो कि यहाँ से आपका दिया गया है। तो यहाँ से आप इंजन ऑयल पूरा का पूरा हम नहीं इसमें डालने वाले हैं, हम 1700 ml ही डालेंगे। आप 1700 ml ही आपको भी डालना है इसमें, और पूरा हमारा कम्प्लीट हो चुका है। चलिए इंजन के गार्ड रूट को लगाते हैं, और एक बार आपको बाइक को हम स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर बाइक हमारा ऑन हो चुका है। चलिए एक बार हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो साउंड आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी परफेक्ट आया है देख सकते हैं। और जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।